आदाब से नाजरीन, आप देख रहे हैं रूबरू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। एसओटी शमसाबाद ने बावासु इत्तला पर कार्रवाई करते हुए 1,38,00,000 रुपए मालियती गुटका किया जब्त। गैर कानूनी गुटका मुंतकली में मुलविस 6 अफराद गिरफ्तार। साल नौ जश्न के दौरान ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम के दौरान पाए गए खातियों की मुख्तलिफ मुकामात पर की गई काउंसलिंग। 2,000 से जायद अफराद की गई काउंसलिंग। वनस्थलीपुरम पुलिस और महकमे चाइल्ड वेलफेयर के अहदेदारों की जानिब से की गई कार्रवाई। कम उम्र बच्चों से भीख मंगवाने के रैकेट को किया गया बेनकाब। तेलुगु गुलोकार गजल श्रीनिवास के खिलाफ मुबैना जिनसी हिरासानी का केस दर्ज। खातून रेडियो जॉकी पंजागुट्टा पुलिस से रुजू। मजलिस रुकन असेंबली अहमद पाशा खादरी ने मस्जिद पेटला बुरुज पुलिस लाइन का किया मुआयना। तरक्याती कामों को जारी रखने का किया अज़्म। पवन कल्याण की वजीर आला के सी आर से मुलाकात पर शदीद तनकीद। मुफ्त बर्फी सरबराही धोखादही स्कीम के ब्रांड एम्बेसडर बनने की तैयारी। रेवंत रेड्डी की मीडिया कॉन्फ्रेंस। देखते हैं खबरों की तफसील। उदयात तेलंगाना के चंद्रशेखर राव से रियासी वजीर बरखी जगदीश रेड्डी की क्यादत में रियासत के मुख्तलिफ अजला के और टीआरएस पार्टी के कई अराकीन असम्बली और रियासत के किसानों ने प्रगति भवन पर मुलाकात की। इस मौके पर दरियाला के सीआर को नए साल की मुबारकबाद दी गई और 1 जनवरी से रियासत के किसानों के लिए जो स्कीम शुरू की गई है 24 घंटे बरकी सरबराह करने के सिलसिले में उस पर मुबारकबाद भी पेश की गई। वजीर आला के चंद्रशेखर राव से वजीर बरकी जगदीश रेड्डी की क्यादत में रियासत के मुख्तलिफ अजला के टीआरएस पार्टी के कई एक अराकीन असम्बली के अलावा रियासत के किसानों ने प्रगति भवन पहुंचकर मुलाकात की और उन्हें नए साल के अलावा 1 जनवरी से रियासत भर के किसानों को 24 घंटे बरकी सरबराह करने की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर टीआरएस रुकन असम्बली सुनीता और साबिक रुकन असम्बली उमा माधव रेड्डी ने भी वजीर आला से मुलाकात करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की। मोहतमद अमूमी रुकन असम्बली कुल हिंद मजलिस सियादत मुस्लिमीन सैयद अहमद पाशा खादरी ने मजलिस डिवीजन कॉरपोरेटर्स के साथ मस्जिद पेटला बुर्ज पुलिस लाइन के अतराफ व अकनाफ के इलाकों का मुआयना किया। बाद रुकन असम्बली ने बताया कि एमपी फंड से तकरीबन 10 करोड़ रुपये लागती बरकी के काम इस इलाके में और ख़ासकर चारमीनार के हलके में मंजूर हुए थे और यहां तामीर होने वाला सब स्टेशन भी इसी का एक हिस्सा है। इस मौके पर मजलिस डिवीजन कॉरपोरेटर्स महमूद सुहेल कादरी, मोहम्मद मुस्तफ़ा अली मुजफ़र, मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी, साबिक मजलिस डिवीजन कॉरपोरेटर मोहसिन बलाला के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। पेटला ब्रिज इलाके में 10 करोड़ रुपए की लागत से नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन वैसी साहब सदर मजलिस रुकी पार्लियामेंट ने एक बहुत बड़े सब स्टेशन की मंजूरी हुकूमत से हासिल की और ये नुमाइंदगी का सिलसिला आज कई बरसों से जारी रहा। इससे पहले भी ये काम का आगाज़ होने वाला था लेकिन कंट्रैक्टर की कुछ डिले करने की वजह से उस वक्त कैंसिल हो गया। तो ये 22 करोड़ की लागत से इसका मंजूरी हासिल किए। जिस वक्त से मंजूरी हासिल करे उस वक्त से एक एक जगह का स्पॉट पे मुआयना करते हुए इलेक्ट्रिक के बड़े ऑफिसर्स आके सर्वे करे, हम लोग करे, मुकामी लोगों के साथ करे, मस्जिद कमेटी के लोगों के साथ करे, ये काम की मंजूरी हासिल हो गई। अब काम शुरू होने का। लेकिन कल ही यहाँ पर एक झूठों का टोला आया था
मैं आपके चैनल के जरिए आवाम से को बताना चाहता हूँ कि ये झूठ खबरें झूठी जो शाये करते, झूठी खबरों के जरिए मजलिस के खिलाफ जो तशहीर करते, उन लोगों की सच्चाई का अगर कोई जानना चाहते हैं तो बेटला ब्रुज की जब मस्जिद के पास आए मैं बताऊंगा कि इनकी सच्चाई क्या है, इनका झूठ क्या है। झूठ भी हद हो गई झूठ की कि यहाँ मुतालबा करें कि मस्जिद का रास्ता बंद कर दिए, मस्जिद का रास्ता बंद कर दिए। कोई भी आम शहरी भी, कोई मुसलमान भी ये तसव्वुर नहीं कर सकता कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मस्जिद का रास्ता बंद करके कोई तरक्याती काम करे। इंतहा से ज़्यादा झूठ आवाम के सामने खड़े रखे। और ऐसे ऐसे हस्तियाँ आए थे जो हमेशा झूठों में, ये लोगों का कंपटीशन होता झूठों में, फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज लेने के काबिल रहते ऐसे लोग, आके यहाँ दौरे करें, बड़े बड़े बातें करें। तो मैं मीडिया को खुद बताना चाहता हूँ कि हकीकत क्या है, आप देखें। तो ये टोला जो आया था, उनकी जो कारगुजारी है मंजिस के खिलाफ में, लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि मुकामी कमेटी के लोग जो पुलिस डिपार्टमेंट के मुलाजमीन हैं, झूठी तशहीर करके या उनको झूठा झूठ बताए पता नहीं, या जानबूझ के उन्होंने मस्जिद के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं झूठी। मस्जिद का कदीम जो रास्ता था वो रास्ता बरकरार रहेगा, उसको कभी बंद नहीं किए, ना करेंगे, ना करने देंगे। मस्जिद से क्या एक नई तख्ती, नया बोर्ड लगा के मेन रास्ते, मेन रोड से हमको रास्ता दो, ये मुतालबा लोग कर रहे, जबकि वो रास्ते की जमीन सब स्टेशन के लिए हासिल कर ली गई। मुसलसिल नुमाइंदगी करके नसीब मिलत पुलिस डिपार्टमेंट से ये जमीन महकमे बरकी को दिलाए और महकमे बरकी में ये सब स्टेशन की मंजूरी हासिल करे, उसका टेंडर प्रोसेस हुआ, सब होने के बाद अब काम शुरू हो रहा है। पुराने शहर के अंदर तरक्याती काम नहीं हो रहे, बल्कि हम पे झूठे इल्जाम लगाते। आज ये जिंदा सबूत है, चार मीनार असम्बली हल्के में जो रहने वाले अमाम हैं, तकरीबन जो लोग यहाँ पर आए हुए मेरे साथ जमात के, दूसरे लोग भी जो आए हैं, पूरे के पूरे चार मीनार असम्बली हल्के में रहने वाले, इनसे पूछिए कि बरकी की सरबराही में इनको कितनी तकलीफ होती है। आज दो साल से तो इतनी शिद्दत से रोजाना शटडाउन, रमजान जैसे मुकद्दस महीने में चार चार घंटे, छः छः घंटे लाइट बंद होती है इलाके में। इस सब स्टेशन को आने के बाद चार मीनार असम्बली हल्के में लाइट बंद होना जो सिलसिला है उसका खत्म हो जाएगा। पावर की सप्लाई जो तो ये क्या बीचों में यार हो, चार मीनार के अलावा पूर्व जवार के बहादुरपुरा दीगर इलाकों में भी बर्फी की सरबराही में ये सब स्टेशन से मदद मिलेगी। इतना बड़ा सब स्टेशन कायम हो रहा है जिससे चार मीनार के आवाम को राहत मिलेगी। गवर्नमेंट स्कूल गोलकुंडा की 10वीं जमात के तालिब इल्म ने पॉल्यूशन से तवानाई बनाने का एक प्रोजेक्ट तैयार किया है जिसे AEST और BMW नाम दिया गया है। 10वीं जमात के तालिब इल्म सैयद सैफ ने इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में मजलिसी रुकन असम्बली कारवान कौसर मुहियुद्दीन को तमाम तफसीलात बताएं। सैयद सैफ ने कबल अज़ीं सदर मजलिस बैरिस्टर सोउद्दीन ओवैसी से भी इस सिलसिले में मुलाकात की थी और उन्हें तफसीलात से वाकिफ करवाया था। सैयद सैफ ने रियासती और मरकजी हुकूमत से अपील की है कि वो उनके प्रोजेक्ट को माली इमदाद फराहम करे ताकि इसे बड़े पैमाने पर शुरू किया जा सके। मजलिस रुकन असम्बली कौसर मुहियुद्दीन ने इस सिलसिले में मुनासिब नुमाइंदगी करने का भी तयक्कुन दिया। मैं गोलकुंडे GHS और तेलुगु गोलकुंडा स्कूल का इंग्लिश मीडियम का एक स्टूडेंट हूँ। मेरे पास एक थिंक है, वो सोच को मैं आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ, दुनिया के सामने लाना चाह रहा हूँ, मीडिया वालों के और MLA साहब और हॉनरेबल MP साहब, मेंबर असद अवैसी साहब और हमारे कॉरपोरेटर जनाब अजीज पठान साहब और MLA साहब जनाब कौशल मोहिद्दीन साहब के अंडर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि दुनिया वालों को समझाना चाह रहा हूँ मेरा प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाओ। मेरे प्रोजेक्ट का नाम EST है और AEST है और BMW है। EST का मतलब इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, AEST का मतलब ऑल्टरनेट इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, BMW का मतलब यह है कि बी फॉर बायोडाइवर्सिटी मेक वॉल्स बोल के है। दुनिया में जनरेशन, नए जनरेशन की बहुत कीमत होती है, तो वो कीमत को अच्छी तरह की हवा देना चाह रहे हम, अच्छी तरह का पानी देना चाह रहे हैं। इन आर्टिकल 21 इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1991 द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दिस लॉ एंड एक्ट फॉर लाइट फंडामेंटल राइट टू
लिव बोल के एक है, तो उसके अंडर ये प्रोजेक्ट्स आते हैं। मेरा प्रोजेक्ट ये है कि धुआं जो इंडस्ट्रीज चुमने में से हेवी पोल्यूशन करती है, वो पोल्यूशन को लेकर एनर्जी जनरेट करना है, और उसके लिए मेरे को गवर्नमेंट की मदद होना है। जो मेरे BMW, EST और AST मूवमेंट से उसको गवर्नमेंट की तरफ से आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंदर। मेरे टीचर्स बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, पेरेंट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे देते हैं, तो आज मैं यह मुकाम पे हूँ। तो मैं दुनिया वालों को ये बोलना चाह रहा हूँ, लड़ो मत आप, झगड़ो मत, सिर्फ अपन के इन्वायरमेंट को अच्छा देखने के लिए क्या कर सकते हैं, आप लोग सामने आइए और हमसे मिलिए, हम लोग बोलेंगे भाई फलाना ये करना है, तो इससे अपन इन्वायरमेंट को अगले 100 साल या 150 साल के लिए बचा सकते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनला बोर्ड की जानिब से 6 जनवरी को निज़ामाबाद में जलसा मुनक़िद किया जाएगा। इस सिलसिले में इस्तक़बालिया कमेटी की तशकील अमल में लाई गई, जिसके तहत मौलाना सैयद वलीउल्लाह कासमी को सदर इस्तक़बालिया कमेटी, मौलवी मोहम्मद नसीर अहमद को कन्वीनर, मोहम्मद एजाज हुसैन को मौविन कन्वीनर मुंतखब किया गया है। मकामी इस्तक़बालिया कमेटी को निज़ामाबाद में 4 जनवरी को मुनक़िद होने वाले जलसे तहफ़्फ़ुज़ शरीयत और इस्लाह मुआशरा के इंतजाम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मस्कूरा जलसे से सदर मजलिस रुकन पार्लिमान हैदराबाद, बैरिस्टर सऊदीन अवैसी के अलावा उलमाए कराम और मशायखीन उज़्ज़ाम खिताब करेंगे। इस मौके पर कन्वीनर मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी, मौलाना मुनीरुद्दीन मुख्तार के अलावा मौलाना सईद खादरी और दीगर भी मौजूद थे। इस्तेमालिया कमेटी की निगरानी में जलसा मनाकिद हो। इस जलसे को मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, मौलाना सफी अहमद मदनी साहब, मौलाना सईद हुसैन सईद कादरी साहब, मौलाना मुफ्ती सादिक मुहिद्दीन साहब और मौलाना सैयद कबूल पाशा शुद्दानी साहब और जनाब हामिद मोहम्मद खान साहब के अलावा जियाउद्दीन इलियास साहब और मुफ्ती गयासुद्दीन रहमानी साहब और स्पेशल ऑपरेशंस टीम शमशाबाद ने शमशाबाद पुलिस के इश्तराक से कार्रवाई करते हुए हुकूमत की जानिब से मनवाग गुटका गैर कानूनी तौर पर मुंतकल करने वाले 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक 28 साला वी गंगाधरी, 35 साला वी नागराजू, पूर्णा नागराजू और नरसिम्हा रेड्डी को गिरफ्तार किया गया। DCP शमशाबाद जोन PV पद्मजा ने बताया कि गैर कानूनी तौर पर गुट का मुंतकिल किया जा रहा था, जो DCM में तरकारी की ट्रेज में छुपा कर ले जाया जा रहा था, और DCM में मस्कुरा अफराद पिछले 6 महीनों से गुटका मुंतकिल करने में मुलविस पाए गए हैं। मस्कुरा अफराद के कब्जे से 1,38,00,000 रुपए मालियती गुटका और 1 DCM भी जब्त की गई। పేపర్స్ చూసుకోవాలి, ఓనర్ చెప్పిన వాళ్ళు నేను చెప్పడం ప్రకారం ఒక ఓనర్ అచ్చమారెడ్డి అని ఉన్నారు, అతనికి సంబంధించిన ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ దీన్ని ఆపరేట్ చేస్తారని చెప్తున్నారు, పూర్ణాన్ని చూడాలని చెప్పారు, వీళ్ళందరూ కూడా అనంతపూర్ ఫస్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ మేడం, అదని మనం చూడాలి అస్ ఆఫ్ నో దీని మీద అసలు ఏమీ లేదు, ఈ ప్రోడక్ట్స్ ఏమీ లేదు, ఓన్లీ MC బ్రాండ్ సాఫ్రాన్ బ్రాండ్ అని ఉంది, ఏమీ లేదు, ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కొద్దిగా మొత్తం కూడా ఇంత మంచి వర్క్ చేసిన వాళ్ళను అలాంటి లీడర్షిప్ ఆఫ్ అడిషనల్ DCP SOT దయానంద రెడ్డి గారు, తర్వాత మన టీమ్ మెంబర్స్ SOT ఇన్స్పెక్టర్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి, ప్రవీణ్ కుమార్, తర్వాత ACP శంషాబాద్, CA శంషాబాద్ రూరల్, SI అహ్మద్ పాషా అండ్ ద టీమ్, అందరూ కూడా మంచి వర్క్ చేయడం జరిగింది. సో వీ ఆర్ దెమ్ سالن جشن کے دوران ٹریفک اور لا اینڈ پولیس کی جانب سے کی گئی تنقیح میں تقریباً 2000 سے زائد ڈرنک اینڈ ڈرائیو کیسز درج رجسٹر کیے گئے تھے۔
حیدرآباد، سائبر آباد اور رچاکنڈا کمشنریٹ حدود کے مختلف علاقوں میں کیسز درج کیے گئے تھے۔ ٹریفک پولیس نے حیدرآباد، سائبر آباد اور رچاکنڈا کمشنریٹ حدود میں مختلف مقامات پر کیسز میں ملوث نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی اس موقع پر کونسلنگ کی۔ پولیس کی جانب سے لزوم عائد کیا گیا تھا کہ کونسلنگ کے موقع پر اپنے فیملی کے ایک ممبر کو ساتھ لایا جائے، جس کے سلسلے میں کافی بے چینی دیکھی گئی۔ محکمہ چائلڈ ویلفیئر کے عہدیداروں نے ونستھلی پورم پولیس کے اشتراک سے ونستھلی پورہیم میں واقع ایک اناد آشرم پر دھاوا کرتے ہوئے کم عمر بچوں سے عطیے وصول کرنے اور بھیک منگوانے کے ایک ریکٹ کو بے نقاب کیا۔ اس ریکٹ میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی گئی، جبکہ تقریباً 18 یتیم بچوں کو یہاں سے نمبولی اڈے میں واقع چائلڈ ہوم منتقل کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق ایک مقامی این جی او کے ذمہ دار کی جانب سے شکایت کی گئی تھی، جس کے بعد عہدیداروں نے حرکت میں آتے ہوئے ایک کارروائی کی۔ اس اناد آشرم کے اونر ستیا ریڈی کو بھی حراست میں لیا گیا ہے اور ونستھلی پورم پولیس نے اس سلسلے میں کیس بھی درج کیا۔ تلنگانہ کے تیلگو گلوکار غزل سنیواس کو ایک خاتون کو مبینہ جنسی ہراسانی کے معاملے میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق متاثرہ خاتون ریڈیو جاکی کی حیثیت سے ملازمت کیا کرتی تھی اور اس ویب ریڈیو کا نام آلیا وانی بتایا گیا ہے، جسے غزل سنیواس ہی چلایا کرتا تھا۔ ویب ریڈیو میں خدمات انجام دینے والی خاتون کماری نے غزل سنیواس پر ایک سال سے جنسی ہراسانی کا الزام عائد کیا اور بعض ثبوت بھی پولیس کے حوالے کیے ہیں۔ پنجاگوٹا پولیس نے غزل سنیواس کے خلاف دفعہ 354، 351 اے اور 509 آئی پی سی کے تحت مقدمہ درج کیا اور انہیں عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں معزز جج نے 12 دن کی عدالتی تحویل دی۔ پولیس نے 7 دن کی ریمانڈ حاصل کرنے کے لیے درخواست بھی داخل کی، جبکہ غزل سنیواس کی جانب سے داخل کی گئی ضمانت کو مسترد کیا گیا۔ انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن کی جانب سے کی گئی اپیل پر حیدرآباد میں بھی احتجاج کیا گیا، جس کا اثر خاص طور پر نہیں دیکھا گیا۔ شہر کے عثمانی ہاسپٹل میں معمول کے مطابق خدمات جاری رہیں، جبکہ ڈاکٹرز اپنی ڈیوٹی پر کام کرتے ہوئے نظر آئے۔ ہاسپٹل کے ذمہ داروں نے بتایا کہ ڈاکٹرز کے علاوہ نیم طبی عملہ بھی خدمات پر موجود تھا۔ واضح رہے کہ ملک کے کئی اہم شہروں میں آئی ایم اے کی اپیل پر آج احتجاج بلند کیا گیا ہے۔ بارکس میں واقع سی آر پی ایف علاقے میں آوارہ کتوں کی بہتات سے عوام میں خوف کا ماحول دیکھا جا رہا ہے۔ اسکول جانے والے کمسن بچوں کو ہمیشہ آوارہ کتوں کے کاٹنے کا خوف لگا رہتا ہے، جبکہ راہرو بھی اس مسئلے سے پریشان ہیں۔ مخیام نے بتایا کہ بلدی حکام کو توجہ دلانے کے باوجود کوئی کارروائی نہیں کی گئی ہے اور انہیں اس سلسلے میں جی ایچ ایم سی کے اعلیٰ عہدیداروں سے اپیل کی ہے کہ فوری طور پر اس مسئلے کو حل کیا جائے اور اسکولی بچوں کے علاوہ راہروؤں کو راحت پہنچائی جائے۔ حیدرآباد سٹی پولیس کی جانب سے جہاں ایک جانب فرینڈلی پولیسنگ کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے، تو دوسری جانب روڈی شیٹرز پولیس کی جانب سے کی جا رہی نرمی کا غلط فائدہ اٹھاتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کا جیتا جاگتا ثبوت لنگر ہاؤس پولیس اسٹیشن حدود میں پیش آئے ایک واقعے سے لگایا جا سکتا ہے، جس میں روڈی شیٹر اس کے ساتھیوں نے ایک شخص کے مکان پر ہتھیاروں کے ساتھ حملہ کرتے ہوئے توڑ پھوڑ مچائی تھی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل ہونے کے بعد سے یہ انٹرنیٹ پر وائرل ہو چکے ہیں، جس سے عوام میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ لنگر ہاؤس پولیس نے مذکور روڈی شیٹر اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار تو کر لیا ہے، تاہم روڈی شیٹروں کی جانب سے اس قسم کی کاروائیوں اور سرگرمیوں پر روک لگانے کی ضرورت درپیش ہے۔ تلنگانہ تیلگو دیشم رکن اسمبلی آر کرشنیا نے ریلا تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایس سی طبقے کے باقی کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل کرنے کے اقدامات کریں۔
انہوں نے بتایا کہ بی سی طبقے کو ان کی آبادی کے لحاظ سے اور ان کی فلاحی شعبے میں دی جانے والی سہولتوں کے حساب سے تحفظات میں اضافہ کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ بی سی طبقے کے برقی کنٹریکٹ ملازمین کو مستقل کرنے کے فوری طور پر اقدامات کیے جائیں۔ تلنگانہ تلگو دیشم رکن اسمبلی آر کرشنیا نے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ وہ بی سی طبقے کے برقی کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل کرنے کے اقدامات کریں اور بی سی طبقے کو ان کی آبادی کے لحاظ سے فلاحی شعبے میں دی جانے والی سہولتوں اور ان کے تحفظات میں بھی اضافہ کیا جائے۔ انہوں نے ریاستی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے بتایا کہ حکومت کی جانب سے بی سی طبقے کو مکمل طور پر نظر انداز کرنے کے باعث بی سی طبقے میں مایوسی پائی جا رہی ہے، لہذا حکومت کو چاہیے کہ وہ بی سی طبقے کے ساتھ انصاف کرے۔ شرعی فیصلے بورڈ کی جانب سے طلاق سے پاک مسلم معاشرے کے لیے گھر گھر مہم چلانے کی بات کہی گئی ہے اور مرد و خواتین کو شرعی قوانین بالخصوص طلاق کے منفی اثرات سے واقف کروانا بھی ان کا ایک اہم مقصد ہے۔ شرعی فیصلہ بورڈ کے ذمہ داران نے ایک میڈیا کانفرنس میں سلسلے میں تفصیلات بتائیں۔ انہوں نے بات کرتے بتایا کہ شریعت میں مداخلت بہر صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ذمہ دار نے اعلان کیا کہ 6 جنوری کو قافلے کی شکل میں خاموشی کے ساتھ گورنر ہاؤس واقع راج بھون پہنچ کر گورنر ای ایس ایل نرسمہن کو 3 طلاق بل کے خلاف ایک میمورینڈم بھی پیش کیا جائے گا۔ اس موقع پر کنوینر مشتاق ملک، مولانا مفتی صادق محی الدین فہیم کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے شادی مبارک اور کلیانی لکشمی اسکیم کے تحت امدادی رقم منظور کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے کے تحت کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی متعلقہ حلقہ جات میں نمائندگی کے ذریعے مستحق لڑکیوں میں مذکورہ امداد منظور کروا رہے ہیں۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی حلقہ چار مینار سید احمد پاشا خادری نے اس سلسلے کے تحت اپنے حلقے کے تحت منظورہ تقریباً 129 شادی مبارک اور کلیانی لکشمی کے چیکس تقسیم کیے۔ ان چیکس میں 51,000 کے تقریباً 59 چیکس اور 75,000 پر مشتمل تقریباً 70 چیکس استفادہ کنندگان میں تقسیم کیے گئے۔ اردو مسکن واقع خلوت میں ایک تقریب منعقد کی گئی جس میں مجلس رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری کے علاوہ مجلسی ڈویژن کارپوریٹر سہیل محمود قادری اور نمائندہ کارپوریٹر مغل پورہ ابو راحیل کے علاوہ دیگر سرگرم مجلسی کارکنان بھی موجود تھے۔ ریاستی وقف بورڈ کا ایک اہم اجلاس سرنشین وقف بورڈ محمد سلیم کی قیادت میں بورڈ کے دفتر میں منعقد کیا گیا۔ اس اجلاس میں کئی اہم فیصلے لیے گئے۔ تفصیلات کے مطابق مذکورہ بورڈ میٹنگ میں تقریباً 50 ملازمین کے تقرر کے سلسلے میں حکومت سے نمائندگی کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں مساجد کمیٹیز اور قبرستان کمیٹیز کے بارے میں بھی تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ علاوہ ازیں 18 ریٹائرڈ امپلائیز کو دوبارہ طلب کرنے کے بارے میں بھی میڈیا کو تفصیلات سے واقف کروایا گیا۔ محمد سلیم نے بتایا کہ 3 ماہ کے لیے مذکورہ ریٹائرڈ امپلائیز کو بورڈ پر دوبارہ طلب کیا گیا ہے تاکہ کام کاج کروایا جا سکے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ جی ایچ ایم سی سے موصول ہونے والے تقریباً 250 کروڑ روپے کے سلسلے میں کمشنر اور زونل کمشنران کے ساتھ اجلاس بھی منعقد کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ جج نور اللہ غوری کو اپوائنٹ کرنے کے سلسلے میں بھی ایک فیصلہ لیا گیا ہے۔ محمد سلیم نے اجلاس کی رداس سے میڈیا کو واقف کروایا۔ جو کاؤنٹر فائل نہیں ہو رہے تھے ٹائم ٹو ٹائم تو اسٹاف کی کمی ہونے کی وجہ سے، تو وہ ایک ریٹائرڈ جج نور اللہ غوری صاحب کو جو ہے اپائنٹ کرے، ڈسٹرکٹ جج تھے انہوں، تو
और दूसरा जो है 85 एजेंडास थे, 84 जिसमें जो एक मस्जिद कमेटीज़, ग्रेवयार्ड्स कमेटीज़, मुतवलीस ऐसे कमेटीज़ भी थे, लैंड्स के भी इश्यूज थे, जो फाइनेंशियल इश्यूज थे उसको डिफर करें फाइनेंस कमेटी में लाने के लिए, और जो जो कर सकते थे वो कमेटियों को अप्रूव भी करें, और दरगाह यूसुफैन का भी जो है सीएल एसएलपी जो है फाइल करने की वजह से एसएलपी का ऑर्डर आए तक वेट करेंगे बोल के पूरे यूनानिमसली जो है एक रेजोल्यूशन लिए, क्योंकि दरगाह यूसुफैन का जो है ऑलरेडी कोर्ट से उनको जीते, मगर जो है ना हम लोग भी एसएलपी फाइल करके सुप्रीम कोर्ट में जो है वहाँ पर 9 तारीख को केस आ रहा है, 9 तारीख के दिन मालूम होगा कि क्या है, क्योंकि अगर अभी हम करेंगे उनको निज़ाम साहब को करने की सोचे थे हम लोग, क्योंकि निगरानी देंगे बोल के मुतवली के हिसाब से विदाउट फाइनेंशियल पूरे पावर्स रख लेके उनको देंगे बोल के सोचे थे, मगर कोर्ट में केस रहने की वजह से हम लोग नहीं दे सकते कहते हो लीगली मालूम करके हम लोग उसको नहीं दे सकते, लिहाजा एसएलपी फाइल करे वो एसएलपी का जो ऑर्डर रहेगा उसके बाद में जो डिसीजन लेना है। टीआरएस कायद पी राजेश्वर रेड्डी ने कांग्रेस और बीजेपी कायदीन की जानिब से हुकूमत पर की जाने वाली तनकीदों को मुस्तरद किया है। उन्होंने कहा कि कौमी बीजेपी कायदीन और कांग्रेस के अलावा समाजवादी और तृणमूल कांग्रेस के कायदीन ने टीआरएस हुकूमत की सिताइश की है। तेलंगाना कांग्रेस कायद रेवंत रेड्डी ने कहा है कि पवन कल्याण मुफ्त बरकी सरबराही के उदरेला के सीआर की धोखाधड़ी के ब्रांड एम्बेसडर बनने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि केसीआर की जानिब से शुरू करदा मुफ्त बरकी सरबराही स्कीम के ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए उनसे मुलाकात की गई है। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत की उदय स्कीम के तहत तमाम रियासतों को 24 घंटे बरकी सरबराह की जा रही है, इसमें वज़ीर-ए-आला केसीआर का कोई रोल नहीं है। रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया कि केसीआर खानगी बरकी कंपनियों से हज़ारों करोड़ रुपये की रुश्वत हासिल कर रहे हैं। सीनियर कांग्रेस कायद हनुमंत राव ने कहा है कि टीआरएस हुकूमत और उदयाला केसीआर के चंद्रशेखर राव अगर फरवरी और मार्च में भी किसानों को 24 घंटे बरकी सरबराह करते हैं तो वो इस अकदाम का खैर मकदम करेंगे। मीडिया के माध्यम से बात करते हुए हनुमंत राव ने बताया कि हुकूमत की जानिब से कई तशहीरी मुहिमात चलाई जा रही हैं, ताहम देखना यह है कि बरकी सरबराही कब तक जारी रहती है। और वज़ीर-ए-आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की पवन कल्याण से मुलाकात पर सख्त मजम्मत भी की। आखिर में हम खबरें एक बार फिर, एसओटी शमसाबाद ने बाबा सुख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए 1,38,00,000 रुपये मालियती गुटखा किया जब्त। गैर कानूनी गुटखा मुंतकली में मुलविस 6 अफराद गिरफ्तार। साल नौ जश्न के दौरान ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम के दौरान पाए गए खातियों की मुख्तलिफ मुकामात पर की गई काउंसलिंग। 2,000 से जायद अफराद की गई काउंसलिंग। वनस्तिलपुरम पुलिस और महकमे चाइल्ड वेलफेयर के अहदेदारों की जानिब से की गई कार्रवाई। कम उम्र बच्चों से भीख मंगवाने के रैकेट को किया गया बेनकाब। तेलुगु गुलोकार गजल श्रीनिवास के खिलाफ मुबैना जिंसी हिरासानी का केस दर्ज। खातून रेडियो जॉकी पंजागुट्टा पुलिस से रुजू। मजलिस रुकन असेंबली अहमद पाशा खादरी ने मस्जिद पेटला बुरुज पुलिस लाइन का किया मुआयना, तरक्याती कामों को जारी रखने का किया अज़्म।
पवन कल्याण की वजीर आला के सी आर से मुलाकात पर शदीद तनकीद। मुफ्त बरकी सरबराही धोखादही स्कीम के ब्रांड एम्बेसडर बनने की तैयारी। रेवंत रेड्डी की मीडिया कॉन्फ्रेंस। इसी के साथ रूबरू न्यूज़ यहीं अख्तिताम पसीर होती हैं। रियासती कौमी और बैलख्वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबरू न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।